हेलो बच्चों वेलकम टू टॉपर्स कॉस एकेडमी आप लोगों का बेटा राउंड वन का डी का रिजल्ट आ चुका है तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अच्छा रिजल्ट आ गया रिजल्ट चेक करना तो आता ही है सी एस ए एस पोर्टल पर जाओगे अपनी IIN, देखो एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डालोगे रिजल्ट आ जाएगा अच्छा अब वहाँ पे दिक्कत ही आ रही है कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छी सीट मिल चुकी है कॉलेज मिल चुका है तो जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है उनको क्या करना है जिनको नहीं मिला उनको क्या करना है आगे की क्या प्रोसेस रहेगी जिनको कोई भी उसमें ऑप्शन ही नहीं आया मतलब कुछ भी कॉलेज अभी नहीं मिला है उनको क्या करना है तो इन सारी चीजों पे एक एक करके हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं बेटा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जिन बच्चों का जिन बच्चों का कोई ना कोई कॉलेज अलर्ट हुआ है तो सीन ये रहेगा कि मान लो बेटा कोई कॉलेज आप लोगों को अलर्ट हुआ तो उसमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सेप्ट करने का तो पहले तो बिना सोचे समझे सारे बच्चे जो भी कॉलेज मिला है अगर तुम्हें चाहते हो कि ये कॉलेज खराब से खराब है मेरे को लेना ही नहीं तब भी बेटा क्या करना पड़ेगा इसको इसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा पहला पार्ट पहला काम समझ में आ गया कि अपनी एप्लीकेशन खोलोगे उसमें ऑप्शन होगा एक्सेप्ट करने का उस पर कर लोगे क्योंकि ये नहीं करोगे तब तक काउंसलिंग में ड्यू ये सोचेगा कि तुम लोग काउंसलिंग में पार्टी नहीं लेना चाहते मतलब उसमें पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते हो तो पहला स्टेप तो ये हो गया एक्सेप्ट कर लिया करने के बाद में यहाँ क्या होगा दूसरे नंबर पर होगा बेटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब डॉक्यूमेंट का ईमन सोचना अपलोड करने का नहीं ऑलरेडी बेटा फेस से पहले डॉक्यूमेंट सारे के सारे सी एस एस पोर्टल पर अपलोड करे थे उन्हीं का वेरिफिकेशन होगा कैसे अगर मान लेते हैं एक बच्चे को यहाँ पे कोई कॉलेज मिला कोई भी एक्स वाई जेड कॉलेज मिल गया बी कॉम का अब उस कॉलेज के डिपार्टमेंट में एक एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं सहीद सुखदेव मिला या फिर भगत सिंह मिल गया तो बच्चे को क्या होगा जब जब आप लोग एक्सेप्ट करोगे तो वहां पे नोटिफिकेशन उनके पास चली जाएगी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जितने भी होंगे उनके पास में डॉक्यूमेंट्स फिर वो वेरीफाई करेंगे और वो ऑलरेडी सारे के सारे अपलोडेड हैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के तो टोटल तीन स्टेज हैं पहले अगर मान लेते हैं बीकॉम मिला किसी बच्चे को बीकॉम बीकॉम मिला तो बीकॉम में उस कॉलेज का जो बीकॉम का डिपार्टमेंट होगा कॉमर्स का डिपार्टमेंट जो होगा वो वाले डिपार्टमेंट वाले उसको वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स को अगर उनको सब कुछ सही लगता है तो वो एडमिन को भेजेंगे डॉक्यूमेंट्स ठीक है जो कॉलेज में एडमिन डिपार्टमेंट होता है उसको भेज देंगे एडमिन ने भी अगर सब कुछ सही मान लिया सब कुछ सही है तो वो फिर प्रिंसिपल को भेजेंगे और प्रिंसिपल ने भी सब कुछ सही मान लिया तो वो वेरीफाई कंप्लीट हो गए तो यहाँ पे मान लो डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन डन अच्छा कभी कभी ऐसा भी दिक्कत आती है ये डॉक्यूमेंट्स जब वेरीफाई बेटा कर रहे थे उसमें किसी भी एक स्टेप पे आके उनको कहीं कोई प्रॉब्लम लगी तो वो क्या करेंगे मेल करेंगे वो सारा का सारा यहाँ चेक कर सकते हो अपनी मेल भी चेक करते रहना ये पोर्टल सारा का सारा बार बार चेक करते रहना इसमें ही सब कुछ आएगा ठीक है तो वहाँ पे जो भी चीज़ वो सपोज बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करो तो आप लोग क्या करोगे दोबारा उसको अपलोड करोगे अच्छे से स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स जैसे ही वेरीफाई होंगे जैसे ही वेरीफाई होंगे और इसमें टाइम लगेगा ये मैंने सोचा ना अगर नहीं नहीं मैंने तो कर लिया मेरा अभी तक नहीं हुआ इसमें टाइम लगता है इसमें टाइम लगता है मैं उसको डिटेल में बताऊंगा कैसे होता है अच्छा वेरीफाई होने के बाद उसके बाद एक ऑप्शन यहां पे दिखने लगेगा फी पेमेंट का फी पेमेंट का ऑप्शन दिखने लगेगा तो क्या करने वाले हो आप लोग तुरंत उस कॉलेज की जाके फीस पेमेंट जो भी फ़ी होगी उसको पेमेंट मतलब वहाँ पे डन कर देना इसका मतलब ये हुआ कि मान लो बेटा कोई कॉलेज है डी की फीस होती भी है दस बारह हज़ार से लेके थर्टी थाउजेंड ट्वेंटी एट थाउजेंड तक रहती है तो वो फीस पूरे साल की होती है तो वो जाके एक बार में डिपोजिट कर दोगे डिपोजिट करने के बाद में फिर हम लोगों को क्या रहेगा अब उन्हें पता है कि ये इंटरेस्टेड है इसमें एडमिशन लेने के लिए नेक्स्ट स्टेप रहेगा जब ये कर दिया इसके बाद ऑप्शन यहाँ पे खोलेंगे दो ऑप्शन खोलेंगे बच्चा एक ऑप्शन होगा फ्रीज करने का एक ऑप्शन होगा फ्रीज करने का और दूसरा ऑप्शन रहेगा दूसरा ऑप्शन रहेगा बेटा एक तो एक तो रहेगा फ्रीज करने का और दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा दूसरा यहां पे मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं अपग्रेड करने का अपग्रेड करने का अब करना क्या है कुछ बच्चे क्या करेंगे जिनको बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया वो तो डायरेक्ट क्या कर देंगे फ्रीज कर देंगे उन्हें तो पता है कि बहुत बेस्ट कॉलेज मिल गया है ई में करना है हमें तो फ्रीज कर दो तो वो आपका सीट वहाँ पर कन्फर्म हो गई सब कुछ हो गया जिन बच्चों को लगता है कि नहीं यार मेरे को हो सकता है कुछ और कॉलेज भी मिल सके एक चांस ले लो क्या फ़र्क पड़ता है तो इसमें क्या रहेगा आप अगर अपग्रेड पे चले जाओगे बस दिक्कतें कुछ देखना बेटा क्या होंगी अब आप लोगों ने जो कॉलेज फिल करें अगर सपोज ये कॉलेज अभी जो मिला है उससे ऊपर जितने भी कॉलेज फिल करें फॉर्म भरते समय जो फर्स्ट राउंड का वो जो प्रेफरेंस फिल करी थी ना बेटा उसमें जो कॉलेज आप इसके ऊपर आएगा वही कोई कोई ना कोई कॉलेज में अगर अवेलेबल सीट होगी तो मिलेगी उसके नीचे नहीं मिलेगी और वो जो ऑर्डर लिखा होगा उसी ऑर्डर में मिलेगी ठीक है कई बच्चों के एक डाउट रहता है कि सर एक बात बताओ अगर मैंने कर दिया अपग्रेड कर दिया अपग्रेड करने के बाद में नेक्स्ट कॉलेज जो मेरे को मिला वो मेरे को पसंद नहीं है

मान लो बेटा कि आप लोगों ने क्या कर दिया इसको फ्रीज न करके अपग्रेड कर दिया लेकिन अपग्रेड में कोई कॉलेज मिला नहीं तो तो क्या मेरा जो अभी है कॉलेज वो वाला रहेगा या गायब हो जाएगा वो रहेगा बेटा वो रहेगा उसकी टेंशन नहीं लो क्योंकि फी पेमेंट कर चुके हो ठीक है ये कोचिंग सेंटर थोड़े नहीं है जो फीस नहीं दी तब भी वन वीक तक चल रही क्लासेस वहां क्या रहेगा वहां पहले फीस है इसका मतलब एडमिशन हो चुका है आगे देखो यहाँ पे इतना समझ में आ गया अब यहाँ पे ये राउंड टू का जो रिजल्ट आएगा राउंड टू तक हम लोग आराम से देखेंगे क्या क्या हो रहा है कुछ बच्चों का जिन बच्चों का अभी नहीं नंबर आया उनकी भी मैं बात करूंगा तो ये बेटा प्रोसेस समझ में आ गई बड़ी आसान सी प्रोसेस है अब हम लोग बात कर लेते हैं जब ये हो जाएगा अगर हमें कॉलेज लेना चाहेंगे तो उस हिसाब से फिर सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना होगा जो भी चीज़ें होंगी वो प्रोसेस सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा ऑफलाइन तो बाद में बातें आती हैं अच्छा इसके अलावा एक चीज़ और बच्चों का डाउट था सर एक बात बताओ कि अगर मैंने कॉलेज किया अपग्रेड ठीक है अपग्रेड करते समय ऊपर जो मेरे टेन कॉलेज हैं सपोज मान ले टेन है या जो भी हैं टेन कॉलेज तो उन टेन कॉलेज में क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उनको कॉलेज में कोई हटा सके कोई नया ऐड कर, कर सकें नहीं ये नहीं कर सकते हो रीसफलिंग उसमें अलाउ है ओनली मतलब नीचे वाला अगर ऊपर इसके ऊपर मान लो बच्चा टेन कॉलेज है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो नाइन वाले को सेकंड पे ले जा सकते हो सेकंड वाले को नाइन पोजीशन पे ले जा सकते हो ये नहीं है कि तुम टू वाले नंबर को उठाए और उसको कचड़े में फेंक दिया उसको डिलीट कर दिया दूसरा कॉलेज एड कर दो ये ऑप्शन नहीं है ठीक है वो सिर्फ ऊपर नीचे चेंज कर सकते हो बाकी कुछ नहीं कर सकते हो ठीक तो ये एक बच्चों का ये डाउट हो चुका है क्लियर ये भी हो गया अब एक चीज़ और जब आप लोग ये करोगे ना एक्सेप्ट करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसमें बेटा टाइम लगेगा ठीक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्री स्टेप प्रोसेस होती है तो होता क्या है कि मान ले बेटा पहले जो आपका डिपार्टमेंट है बी कॉमर्स कौम, डिपार्टमेंट में गया कॉमर्स डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट्स गए कॉमर्स के बाद में कॉमर्स अब कॉलेज में तो बहुत ढेर सारे डिपार्टमेंट होते हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग होता है साइंस का अलग होता है मैथ्स डिपार्टमेंट अलग हो रहा है फिजिक्स का अलग हो रहा है तो उस डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे जितने भी कोर्स होते हैं कॉलेज में वो पेपर गए डिपार्टमेंट वालों ने चेक किया तो वो थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि उतनी ज्यादा सीट नहीं होती है किसी डिपार्टमेंट मान लो सौ सीटें तो वो चेक करना थोड़ा ईजी है लेकिन ये सारे के सारे डिपार्टमेंट वाले एडमिन को भेजेंगे इसको जब भेजेंगे तो ये वाले भाई साहब के पास मान लो सौ आए इसने भी सौ भेज दिए इसके पास में दो सौ थे इसने भी सारे के सारे इनको भेजेंगे इसके पास में हंड्रेड थे इसने भी भेज दिए इसके पास भी हंड्रेड सीट्स थी इसने भी अब एडमिन के पास इतना ढेर सारा वर्कलोड हो गया तो इतनी जल्दी ये वेरीफाई नहीं कर पाएगा तो ये कन्फ्यूजन मत करना कि सर मेरा ये वाला तो वेरीफाई हो गया स्टेप टू है जो एडमिन वाला उसमें वेरीफाई हो ही नहीं रहा शाम हो गई वेट करते करते सुबह तक नहीं हुआ बेटा होगा सबका होगा टेंशन मत लेना आराम से होगा वो लोग भी इंसान है ना काम करने दो आराम से अच्छा यहाँ पे वेरीफाई होने के बाद फिर ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे किसके पास जाएंगे प्रिंसिपल के पास जाएंगे वहाँ भी वर्कलोड इतना ही ज़्यादा है ठीक है तो थोड़ा सा ये प्रोसेस में टाइम लगता है तो ये प्रोसेस आई थिंक सारी समझ में आ गई होगी दूसरा चीज एक डाउट और कि सर एक बात बताओ कि मैंने कॉलेज में फीस जो जमा करी थी वो करी थी, थी, थी तीस हजार मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं तीस हजार करी और लेकिन जो हमें कॉलेज मिला था कोई भी एक एक्स कॉलेज मिला था उसकी फ़ीस थी थर्टी थाउजेंड आपने जमा कर दी अपग्रेड होने के बाद जो कॉलेज मिला उसकी फीस है मान लो बेटा पंद्रह हज़ार तो वो मेरे पंद्रह हज़ार कहाँ गए टेंशन नहीं लो बेटा ड्यू पंद्रह हज़ार वापस करता है दो महीने का टाइम लगता है ड्यू बेईमान नहीं है ठीक है ड्यू सारे के सारे डेली यूनिवर्सिटी वो फीस रिटर्न करेगा आपके अकाउंट में आएगी ठीक है अच्छा तो ये प्रोसेस सारे के सारे क्लियर हो चुका होगा डाउट हो कोई भी तो यहाँ पर टेलीग्राम नंबर वो सारे दे रखे हैं बेटा अच्छा अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा कट ऑफ को लेके ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मैंने सारे कट ऑफ तो पॉसिबल नहीं है लिखना बेटा मैंने कुछ कॉलेज के कट ऑफ लिखे हैं जैसे मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं एसआरसीसी में तो एसआरसीसी में जो ये गया हुआ है कट ऑफ रैंक जो गई हुई है वो गई है बेटा थ्री ट्वेंटी थ्री और कट ऑफ मार्क्स जो गए हैं वो है सेवन एट्टी टू ऐसे ही अगर मैं बीकॉम ऑनर्स सही सुखदेव शहीद भगत सिंह की बात करूं तो इसमें रैंक है वन एट थ्री फाइव मतलब मोटा मोटा ये समझ लो बेटा कि ये जो रैंक है इससे कम रैंक वाले इससे लेस रैंक वाले उन बच्चों का तो सिलेक्शन हो गया ये कॉलेज मिल गए और जिनकी रैंक इससे ज्यादा थी उनको नहीं मिला दूसरी चीज अब कुछ बच्चों का ये भी है दूसरा यहां भी देखो जिन बच्चों के मार्क्स अगर मान लो मैं पहले कॉलेज की बात करूं जिन बच्चों के मार्क्स सेवन से कम थे उनको नहीं मिला कौन सा कॉलेज नहीं मिला आपको एस आर सी सी नहीं मिला जिनके इससे ज्यादा मार्क्स हैं उनको मिला अब इसमें भी कई बच्चों के मैसेज आए कि सर एक बच्चा है कि उसके मार्क्स से थे सेवन एट्टी और उसको यहाँ पे मैं देखो जो रैंक मिली तो वो अलग अलग कोटा ओटा वो अलग होगा वो मेरे को नहीं मालूम बेटा उतना है ना अच्छा तो ये रैंक पता चल गई कैसे कैसे है देखो हर एक कोर्स की देखो ये रैंक हो गई और ये क्या लिखा हुआ ये ये है ये साइड में ये बेटा कट ऑफ मार्क्स हैं ये कट ऑफ मार्क्स हैं इतना कट ऑफ गया है ये तो कट अच्छा खासा गया है मतलब अच्छा नहीं ठीक है ऐसा ही है लास्ट ईयर जैसा ही है ठीक है कट उप, कोई दिक्कत नहीं है अच्छा कुछ चीजें हैं जैसे किसी बच्चे को कोई मिला है और फिर उससे ऊपर आपके जो कोर्सेज हैं, है? हैं उससे ज्यादा जो ऊपर के हैं मतलब जो कॉलेज सिलेक्ट करें प्रेफरेंस लिस्ट में अगर उनका कट ऑफ बहुत ज्यादा तो नहीं गया अगर आसपास गया है तो अपग्रेड जरूर करना अपग्रेड में क्या होगा आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं अब इसकी मैं फायदे बताता हूँ चलो मैं ये वाला पॉइंट थोड़ा अलग करके दूसरे में बताता हूँ रिजल्ट वगैरह तो आप लोगों ने चेक ही कर लिया ऐसे मिला होगा जैसे इस बच्चे का रिजल्ट है इसको दीनदयाल उपाध्याय मिला है और यहाँ पे एक ऑप्शन था वेरीफाई करने का तो वेरीफाई कर दिया गया है अगर बेटा व्यू पे जाओगे व्यू करोगे वहाँ से जाके तो सारा का सारा डिटेल आ जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज उसने फिल करे थे उसके ऊपर कौन कौन से अपग्रेड करने का ऑप्शन है उसकी कॉलेज का कट ऑफ वगैरह आ जाता निकल के अब एक चीज़ और है कि अगर मान लो कि जिन बच्चों का जिन बच्चों को से, कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है नहीं हुआ है उनका क्या तो उनका क्या होगा बेटा जिनका नहीं हुआ है उनको अभी राउंड टू में वेट करना है जब राउंड टू निकलेगा सेकंड राउंड सेकंड राउंड जब आएगा तो सेकंड राउंड में काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं बेटा जिनको बहुत अच्छा रैंक है सब कुछ है बट उन्होंने क्या किया उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया नहीं जो करेंगे वो तो तो वो तो तो बाहर हो गए रेस से ठीक है सीट खाली रह जाएंगे काफी बच्चों के डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ जाती है कहीं कहीं क्यों, देखो वो है मार्कशीट है कहीं कोई फोटो मिसमैच नहीं बहुत ढेर सारी दिक्कतें आती हैं तो बहुत से बच्चे तो इस रेस से ही बाहर हो जाएंगे ठीक है तो जितनी और क्योंकि डी को अपनी सारी की सारी सीट फिल करनी है तो पहले राउंड में इसीलिए वो थोड़ी सी ओवर सीट लेके चलते हैं अब सेकंड राउंड में क्या होगा काफी सीट फिर से आएंगी तो जिन बच्चों का नहीं हुआ हो सकता सेकंड राउंड में आ जाए और उसका कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाता है थोड़ा नहीं काफी हद तक नीचे जाता है तो सेकंड राउंड के लिए अभी बच्चा लोग वेट करेंगे जिनके मार्क्स बहुत कम है ऑप्शन रखोगे इधर उधर बट सेकंड राउंड तक वेट करोगे आगे देखो सेकंड राउंड में मिलेगा थर्ड राउंड में मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा कॉलेज मिलेगा बेटा टेंशन नहीं लो ठीक है अच्छा एक चीज और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि टोटल टोटल कितनी सीट सीट का अलॉटमेंट हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो टोटल बेटा अभी डी ने जो सीट निकाली हैं वो इतनी सीट अलॉट कर दी गई हैं नाइन्टी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट्टी सेवन कर दी गई हैं जिसमें गर्ल्स की ये सीटें बेटा लड़कों के लिए ये सीटें ये कुछ सिंगल गर्ल के लिए ऐसे और भी होते हैं तो ऐसे करके वो सारा का सारा इतनी सीट अभी अलॉट करी हैं फर्स्ट राउंड में अब सेकंड राउंड में देखते हैं कितना करता है तो तब तक वेट करेंगे लेकिन सारे बच्चे क्या करेंगे एक्सेप्ट करके प्रोसीड करो उसको आगे और तब भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है दिक्कत आती है तो बेटा ये नंबर दे रखा है इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो ये यूट्यूब चैनल वैसे है इस पर अपडेट आता रहता है टेलीग्राम चैनल पर अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हो तो वहाँ पर हेल्प मिल जाएगी क्या प्रॉब्लम है और जो बच्चे खासकर यहाँ के हैं अपने कालका जी साइड के हैं कालका जी जी के सी आर पार्क इधर मतलब जितने भी हैं वो ऑफलाइन आके भी हेल्प ले सकते हैं कोई दिक्कत आती है तो वो तुरंत हेल्प लेंगे कि सर आगे क्या करना है कैसे करना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना तो कोई ना कोई टाइमिंग बता दी जाएगी सब कुछ हो जाएगा ठीक है चलो ऑल द बेस्ट बेटा सारे बच्चों को अभी अच्छे से जिनको कॉलेज मिल गया उनके लिए तो ऑल द बेस्ट जिनको नहीं मिला वो भी टेंशन नहीं ले मिलेगा ठीक है थोड़ा सा पेशेंस रखो ओके